वो नमस्ते में स्वागत है आपका इस नए सेशन में क्या बोलता है so, रिस्क में करवा रहा हूं, इस में दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बाकी पूरा थियोरी है वैल्यू एडेड रिस्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी साथ में करवा दूंगा बाकी सारे चैप्टर के भी अब सब रिविजन लेक्चर रेडी है वॉच इट एंड जैसा की आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो प्ले लिस्ट इज ऑल सेट विद ऑल द सेशन फॉर एक्स हो डिटिव हो सब चीजें आप लोगों के पास में है right? so, चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं ये भी चैप्टर और जैसा मैंने बोला इसमें दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मैंने साथ में ही करवा दूंगा मैं तो आप लोगों को भी टेंशन नहीं दोनों भी क्वेश्चन मॉड्यूल के है एंड मेरे हिसाब से इसमें से कुछ आपके ध्यान रखना एग्जाम uh, में आजा एमसीक्यू आ सकता है तो एमसीक्यू पे भी कैसे ध्यान रखना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जस्ट कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप इश्योरिंग विद योर लाइक्स सो दैट आई कीप ऑन मेकिंग सच वीडियोस बाकी और कुछ चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स विल ऑलवेज बी ओपन लेट द गेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बिगिन सिंपल और मैनेजेबल टॉपिक है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि देखो सब फोकस है ना इस चैप्टर में जैसा कि नाम है रिस्क के ऊपर है कंप्लायंस रिस्क फाइनेंशियल रिस्क ऑपरेशनल रिस्क काउंटर पार्टी पॉलिटिकल और ये जितने भी रिस्क है

आप सोचो 40 परसेंट ग्लोबल मार्केट शेयर इन अ स्पैन ऑफ टू इयर्स 40 से 4 पे भी नहीं अभी आज की तारीख में सो दैट बेसिकली वाज अ स्ट्रेटेजिक रिस्क रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस सेकेंड न्यू कॉम्पिटिटर एंटरिंग द मार्केट अगर आप लोग को पता हो तो बचपन में ना कोडेक के कैमरा से अपन लोग रोल होता था और फोटो खींचते थे आज के पेरेंट्स दे वुड तो डेफिनेटली डेफिनेटली नो इट बट जैसे जैसे डिजिटल कैमेरा के कॉम्पिटिटर्स आते गए डिजिटल कैमरास के कॉम्पिटिटर आते गए वैसे वैसे कोडैक का जो कैमरा है वो ओल्ड फैशन हो गया मोबाइल में इतने अच्छे कैमेराज आ गए दैट कोडैक वॉज फाइनली आउट ऑफ द मार्केट सो न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटरिंग द मार्केट देन और क्या रिस्क है शिफ्ट इन कस्टमर्स डिमांड सो Xerox ने अपना लेजर प्रिंटिंग में जो फोटोकॉपी uh, मशीन्स बनाती है अपन लोग जेरोक्स ही बोलते हैं उसको बट कंपनी तो का नाम है जो फोटो कॉपी की मशीन बना रही है एंड वहां पे शिफ्ट इन कंज्यूमर डिमांड रिलेटिंग टू लेजर प्रिंटिंग आ गया, so, ने अपने आप को उस हिसाब में इट हैड फेस अ लॉट ऑफ रिस्क, बिकॉज़ फिर सब लोग में जाने लगे। और आज की तारीख में जो है, उसमें का इतना नाम नहीं है, material, so so, ये है जो कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं विच आर कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक रिस्क यहाँ पे देखो इन टर्म्स ऑफ सी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस न्यू कॉम्पिटिटर एंटरिंग द मार्केट कोडे शिफ्ट इन कस्टमर डिमांड इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल समझ रहेन तो, सब जो आप लोग के मेन मेन पॉइंट है ना वो मैंने देखो यहाँ पे इजिली इनकॉर्पोरेट कर लिए इनफैक्ट इधर आप लोग लिख सकते हैं कि वे नोकिया के लिए टेक्नोलॉजिकल चेंज होना वॉज अ नेगेटिव बिकॉज नोकिया वॉज नॉट एबल टू अडेप्ट टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड मार्केट से ऑलमोस्ट बाहर हो गई अगर मैं कोडेक की बात करता हूं तो उसके लिए भी एक नेगेटिव चेंज था बट अगर लेजर प्रिंटिंग की बात करूं देन इन दैट केस ये कैनन ने काफी हद तक कैप्चर मार्केट किया बट इवे जेरोक्स वॉज वेरी क्विक टू एंश्योर के अगर फोटो कॉपी से अब लेजर प्रिंटिंग के ऊपर जा रही है ना कहानी तो इट अडोप्टेड द लेजर प्रिंटिंग एज वेल So, ऐसा सिनारियो स्ट्रैटेजिक रिस्क बेसिकली यही होता है कि हाउ क्विकली यू आर एबल टू अडप्ट टू द न्यू मार्केट सिचुएशन सिंपल अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है तो इट इज नथिंग बट एबल बी एबल टू बी एबल टू अडप्ट टू न्यू सिचुएशन बी एबल टू अडप्ट टू न्यू बस ये है हमारा स्ट्रेटेजिक रिस्क अब आ जाता है कंप्लायंस रिस्क कंप्लायंस रिस्क के लिए तो बॉस एक अपन लोग है ही कंप्लायंस एंश्योर करवाने के लिए एज अ चार्टर्ड एवरी बिजनेस नीड्स टू कंप्लाई विद रूल्स एंड रेगुलेशन और अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो आपको देनी पड़ेगी बहुत सारी पेनल्टीज फाइनस इम्प्रिजनमेंट किस चीज का रूल्स रेगुलेशन फाइन्स इंप्रिजमेंट ये सब चीजें यू हैव टेकन केयर ऑफ वेन यू आर स्टार्टिंग एन न्यू बिजनेस इन अ न्यू एरिया इन अ न्यू फील्ड कोई भी चीज हो उसमें ठीक है डन अब डिजन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क में सबसे पहला है ऑपरेशनल रिस्क जिसको इंटरनल रिस्क भी बोलते हैं तो तो का मतलब क्या होता है है डे 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 टू टू फंक्शनिंग फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी वो जो फेलियर टू मैनेज अगर आपने वो प्रॉपरली मैनेज नहीं किया देन इन दैट केस इट विल रिजल्ट इन टू अल रिस्क इट इज रिलेटेड टू पीपल अगर लोग छोड़ के चले गए तो प्रोसेस अगर आपका सॉफ्टवेयर बराबर नहीं चला तो एंड इट्स रिस्क So and process, आपका जो सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर है वो एंड एट द सेम टाइम पीपल जो लोग है वो अगर छोड़ के चले गए तो इट कैन बिकम ऑपरेशनल रिस्क आपका डेली जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल रिस्क फिर बाद में आता है फाइनेंशियल रिस्क अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन फाइनेंशियल प्राइसिस सच एज प्राइस चेंज हो गया एक्सचेंज रेट का क्रेडिट रेटिंग इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा यह भी आगे भी अपने को देखने को मिलेगा जस्ट यस ये सब फाइनेंस से रिलेटेड है क्या एक तो भाई कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस चेंज हो गया तो एक्सचेंज तो फॉर से रिलेटेडिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क थ्री थ्री मंथ में आरबीआई इंटरेस्ट रेट चेंज करते रहता है एंड जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट चेंज करता है मार्केट के ऊपर इंपैक्ट देखना आएगा ही आएगा और खाली आरबीआई नहीं यूएस का आरबीआई जो है फेड जिसको अपन लोग बोलते हैं तो वो फेड भी जब यूएस फेड भी जब चेंज करता है कोई भी इंटरेस्ट का रेट वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट का जो मूवमेंट है दैट इज गेटिंग अफेक्टेड वो भी एक रिस्क है भाई मैंने सोचा था से जैसे अभी अगर आ, ग्लोबल फेड का इंटरेस्ट रेट डाउन होता है ना तो गो, गोल्ड का प्राइसिस बढ़ता है तो वो आप लोग का जो एस्टिमेशन है दैट शुड बी प्रॉपर अगर वो एस्टिमेशन बराबर वर्क नहीं किया तो इट इज अ फाइनेंशियल रिस्क दैट इज फिर आता है काउंटर काउंटर पार्टी पार्टी रिस्क मतलब सामने वाला पार्टी मैंने किसी को गुड्स या सर्विसेज बेचा और सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो मेरा तो बिजनेस बंद हो सकता है सो दैट इज ऑल्सो रिस्क फॉर मी नो सो यही है रिस्क अकर्स ड्यू टू नॉन ऑनरिंग ऑफ अब्लिकेशन बाय द काउंटर पार्टी विच कैन बी वॉट फेलियर टू डिलीवर द गुड्स For payment already made, और से ना? मैंने पैसा दे दिया गुड्स नहीं आया मैंने गुड्स भेज दिया पैसा नहीं आया <laughs> और रिपेमेंट ऑफ बोरो गया देन इन दैट के जिंदगी भर आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा भाई पैसा रिटर्न कर दे मेरा ही पैसा है एंड इंटरेस्ट एटसेट्रा दिस रिस्क ऑल्सो कवर्स द क्रेडिट रिस्क डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी एनी थिंग सो ये काउंटर पार्टी रिस्क होते हैं रिस्क ऑफ नॉन ऑनरिंग बाय द काउंटर पार्टी रिस्क ऑफ नॉन ऑनरिंग क्या नॉन ऑनरिंग आपने गुड्स सेल किया पेमेंट नॉन ऑनर आपने गुड्स uh, आपके पास सॉरी पेमेंट आपको आना चाहिए था नहीं आया आपने गुड्स भेज दिया नॉन ऑनरिंग आपने किसी को लोन दिया है रीपेमेंट नहीं आ रहा है इंटरेस्ट नहीं आ रहा है नॉन ऑनरिंग ये सब क्या है काउंटर पार्टी रिस्क पॉलिटिकल रिस्क ओह रिस्क ओवरसीज इन्वेस्टर्स अगर आप लोग नोट कर रहे होंगे तो इंडिया में काफी सारा एफडी आई फॉर इन्वेस्टमेंट आ रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होता है एक ही जब गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए काम कर रही है तो इसका मतलब फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है वो लोग को एक स्टेबिलिटी दिखता है कि हाँ भाई स्टेबल है अदरवाइज सोचो ना एवरी टाइम गवर्नमेंट बदलते जाएगा सो so मतलब स्टेबिलिटी नहीं है सो so वहां पे एक पॉलिटिकल रिस्क होता है कि अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो दे नीड स्टेबिलिटी अगर वो स्टेबिलिटी नहीं है तो इट बिकम्स अ रिस्क फॉर देम कैसा रिस्क पॉलिटिकल रिस्क कि अगर गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रही है इट इज नॉट अ गुड साइन सो दैट इज अ रिस्क फेस बाय ओवरसीज इन्वेस्टर्स शन ऑफ ओवरसीज प्रॉपर्टी सपोज अपना और चाइना का या फिर समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने इंडिया का चाइना के साथ बहुत सारा ट्रेड होता है इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी ठीक है अब मैं बोल रहा हूँ यार मेरा तो बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना के साथ है अच्छा खासा हम लोग का, का बिजनेस चल रहा है चाइना के साथ अब मेरा ना हर महीने में दस दिन मैं चाइना में रहता हूँ बाकी टाइम इधर रहता हूँ क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है मैंने सोचा है रोज जाऊ हर बार जाऊ मैं हर बार होटल में रह रहा हूं क्यों ना मैं उधर एक प्रॉपर्टी खरीद लू मैंने एक प्रॉपर्टी उधर खरीद ली अब हुआ क्या इंडिया और चाइना के बीच में कुछ वॉर छिड़ गया ठीक है ना वो हम लोग का वो अरुणाचल प्रदेश और उधर के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है तो उधर वॉर हो गया तो फिर चाइना ने बदला लेने के लिए बोल दिया जो भी इंडियंस का प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे हम उसको कॉन्फिस्केट कर देंगे इंडिया ने भी बोल दिया जिस भी चाइना वाले का प्रॉपर्टी यहाँ पे हम उसको कॉन्फिस्केट कर देंगे पॉलिटिक्स की वजह से मेरा प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गया पॉलिटिकल रिस्क हो गया पॉलिटिकल रिस्क हो गया रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ करेंसी अगेन करेंसी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम्स हो सकता है यही सब चीज की वजह से रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरविंग्स एज़ वेल सो ये सारे हो गए आपके पॉलिटिकल रिस्क अब ये क्लियर एवरीबॉडी सो अभी आज की तारीख में मुझे लग रहा है कुछ टाइम में एक और एक आएगा दैट ईडी ईडी के बहुत चर्चे चालू रहते हैं स्पेशली इलेक्शन के आसपास ऑफ ऑफ प्रॉपर्टीज बाय ईडी और पुटिंग बिहाइंड द बार्स एंड ऑल दैट इज आल्सो अ पॉलिटिकल रिस्क बॉस ठीक है ना बस वैसा सीन है है ठीक ना तो बिजनेस टर्म्स में रिस्क फेस्ड बाय ओवरसीज इन्वेस्टर्स कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ करेंसी अगर मेरा और वो कंट्री का कुछ सही नहीं चल रहा है तो पॉलिटिकली हम लोग आर नॉट इन गुड टर्म्स रिस्ट्रिक्शन विल बी रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग एज वेल फिर बाद में आ जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैंने आपको बताया भी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहता है यूएस का फेड वैसे अलग अलग यूरोप वाले है सब चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो रिस्क है तो अकोर्स ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट रिजल्टिंग इन चेंज इन एसेट लाइबिलिटी स्पेशली रिस्क टू बैंकिंग कंपनी मेन धंधा किसका है लोन देने का और डिपॉजिट लेने का बैंक का ये धंधा किसके ऊपर डिपेंडेंट है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर बस तो उनके लिए तो सबसे ज्यादा रिस्क हो गया फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट वाला ये तो कंज्यूमर के लिए भी अगर मैंने और आपने भी अगर होम लोन लिया है ना और होम लोन या मैंने से फॉर एग्जांपल कार लोन लिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल माइंड यू समझ में आ गया so यह हुआ मेरा इंटरेस्ट रेट रिस्क और एंड एट द सेम टाइम फिक्स फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट किया आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यू आर आउट आपका हो जाएगा न्यू कॉम्पिटिटर एंटरिंग द मार्केट डिजिटल कैमरा आप नहीं बना पाए आर आउट लेजर प्रिंटिंग बाय जेरोस अडोप्टेड वेल सो इट कैन बिकम पॉजिटिव ऑल्सो शिफ्ट इन कस्टमर डिमांड एंड लास्ट इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल फिर आता है कंप्लायंस रिस्क रूल रेगुलटीज फाइन इंप्रेजनमेंट अगर आपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो फाइन एंड इंप्रेजनमेंट हो सकता है कम्प्लायंस रिस्क फिर आता है ऑपरेशनल रिस्क पीपल एंड प्रोसेस अगर आपके रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रहे हैं तो उसकी वजह से आप डे टू डे ऑपरेशन आपका मैनेज नहीं कर पाओगे तो फेलियर टू मैनेज डे टू डे ऑपरेशन ऑपरेशनल रिस्क

आज से फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत बड़ा इंपोर्टर हूं मैंने वन लाख डॉलर का माल इंपोर्ट किया और आज का रेट है डॉलर इक्वल टू मेरे को पेमेंट करना है तीन महीने बाद और प्राइस हो गया वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी नाइन तो मेरा तो यार बैठे बैठा है चार लाख का नुकसान हो जाएगा ना क्योंकि अब मेरे को एटी नाइन लाख रुपीज देना पड़ेगा जो अभी मुझे एटी फाइव लाख देना पड़ेगा

डॉलर लेस हुआ तो नेगेटिव फॉर सॉरी डॉलर अगर गेन हुआ रूपी अप्रीसिएट हुआ डॉलर लॉस हुआ तो इट विल बिकम नेगेटिव फॉर द इंपोर्टर नहीं देख सकते आई थिंक दिस विल बी पॉजिटिव है ना तो क्या सीन है अगर रुपी डेप्रीसिएट हुआ मतलब वन डॉलर इक्वल टू एटी फाइव का हो गया वन डॉलर इक्वल टू एटी नाइन एक्सपोर्टर खुश बट 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 अगर वन डॉलर इक्वल टू एटी फाइव का वन डॉलर इक्वल टू एटी वन हुआ पॉजिटिव फॉर इंपोर्टर समझ में आया क्या यस yes, सर चलो अब आ जाते हैं लिक्विडिटी रिस्क के ऊपर ये यूजुअली बैंक्स फेस करता है लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इधर चाहिए तो अपन लोग लिख सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कैश तो अगर अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इज अ इशू

फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेसिव बोरोन क्या है मैं बताता हूं आपको इंस्टीट्यूशन सो so, ये मेजर तीन फाइनेंशियल रिस्क है, 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 है तो so, शेयर होल्डर हूं तो मुझे चेक करना चाहिए कि भाई वो कंपनी ने कितना सारा डेट लिया है अगर बहुत ज्यादा डेट लिया होगा देन इन दैट केस इट इज अ वेरी रिस्की थिंग फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर उसने एक्सेसिव बोरोन लीड टू लिक्विडेशन अगर आपका इंटरेस्ट रीपे नहीं कर पा रहे हो इसके लिए वो कई बार शॉर्ट टाइम में सुना होगा आपका एबिट्टा कितना एबिटा मतलब आपके पास कितना अर्निंग्स आ रहा है सच दैट वेदर यू आर एबल टू रीपे द इंटरेस्ट और नॉट वर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलता हूँ को, तो so, तो को एक बहुत बड़ा रिस्क हो गया था जब यूएसए के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लोजिंग डाउन फिर गवर्नमेंट ने उनको बेल आउट किया था पैसा देख सो so, ऐसा सिस्टम होता है सो इवेल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क में किसको इवेल्यूएट करना है पहला कंपनी के शेयर होल्डर को इवेलुएट करना है कि भाई कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बराबर है कि नहीं शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है वो चीज कंपनी को देखना है कि भाई उसने कहीं एक्सेस बोरोइंग नहीं दिया जिसकी वजह से लिक्विडेशन हो जाए कंपनी का एंड गवर्नमेंट को देखना है कि भाई डाउनग्रेडिंग ना हो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का देन कम्स वैल्यू एट रिस्क ये क्या होता है से अगर आपने किसी पोर्टफोलियो मैनेजर को पैसा दिया अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना ये बहुत सारा पैसा देती है ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा मोटा दस बारह करोड़ ये देती है सौ करोड़ दो सौ करोड़ पांच सौ करोड़ तो जब इतना बड़ा पेमेंट जाता है ना

जनरल मोटर्स एक महीने में तेरा यह हजार करोड़ है ना मैक्सिमम इसमें सौ करोड़ का लॉस हो सकता है उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता मैक्सिमम वैल्यू एट रिस्क क्या है अगर एक बार जनरल मोटर्स को पता होगा तो कंजर्वेटिवली इट कैन प्लान इट्स फाइनेंस अकॉर्डिंगली समझे सो मेजर ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट एस्टिमेट हाउ मच एन इन्वेस्टमेंट माइट लूज हम लोग एस्टिमेट करके बताते थे भाई देख हजार करोड़ लगाया है तूने हम तो चाहते हैं और हमको लगता भी है हजार का बारह सौ पंद्रह सौ करोड़ होगा बट इमीजिएटली जनरल मोटर्स जिसने इन्वेस्ट किया है वो बोलता था कि भाई तू ऊपर जाएगा अच्छी बात है बट मैं मैक्सिमम लूज कितना कर सकता हूं वो भी मुझे बता के रहा कंजर्वेटिवली आई शुड नो मतलब आप लोग एग्जाम देके आते तो एक बार कैलकुलेशन करते तो वो अपन लोग है ना जानबूझ के कम रखते हैं मार्क्स यार

छह में से तीन मार्क् तो देना ही चाहिए उसको यार स्टेटिस्टिक दैट क्वानिफाइज द एक्सटेंट ऑफ पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस विद इन फर्म पोर्टफोलियो और पोजिशन ओवर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तो इसमें देखो कैच वर्ड आपको क्या ध्यान रखना है वर्स्ट केस सीनारियो एंड लॉस पर डे एक्सटेंट ऑफ पॉसिबल फाइनेंशियल लॉसिज विद इन द फॉर्म पोर्टफोलियो और पोजिशन ओवर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम हमको उनको बताना ही पड़ता था देखो हजार करोड़ है इतना इतना लॉस हो सकता है टेंशन मत फीचर्स ऑफ वार कितना लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा कितने टाइम पीरियड में एंड कॉन्फिडेंस लेवल टू नाइनटी नाइन परसेंट हम लोगों को यार ये इतना मैक्सिमम लॉस होगा इससे ज्यादा नहीं होगा सो so अब इसके कुछ फीचर्स इट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डिशन सो इट इज स्टैटिस्टिकल मेथड टाइम होराइजन के साथ बोलते थे एक दिन में एक वीक में एक महीने में इतना 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 डाउन हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी दे देते दे दे थे हम लोग नाइन्टी फाइव टू नाइनटी नाइन परसेंट एक रिस्क का मेजर है बेसिकली जेड स्कोर मतलब ये कैसा है ये हाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ऊपर बनता है तो इसके लिए इसको बोलते हैं जेड जेड यूजिंग स्कोर करेक्ट अच्छा ऑफ वार सो कहां पे वार यूज होता है टू एंश्योर दैट मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना है वो अपने को पता चल जाए जनरल मोटर्स वाला मेरा एग्जाम्पल बेंचमार्क फॉर मेजर तो जा ही नहीं सकता डिपार्टमेंट of सुनो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में ना कुछ लोग होते हैं जो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं तो वार से एक कंपनी को आइडिया आ जाता है कि भाई ठीक है इसको ट्रेडिंग लिमिट कितना देना है ठीक है ना तो कंपनी डिसाइड करती है कि भाई आज मेरे लिए ये

और अदरवाइज थ्योरी के लिए भी क्वेश्चन आ चुका है आते रहता है आपको क्या क्या ध्यान में रखना है मेजर ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट भाई कितना मेरा वर्स्ट केस में लॉस पर डे कितना होगा कॉन्फिडेंस लेवल 95 फाइव टू नाइनटी जेड स्कोर के बेसिस पे आइडिया आता है एक रिस्क कंट्रोल है प्रॉबिलिटी टाइम होराइजन के बाद बताता है भाई पर डे पर वीक पर मंथ कितना लॉस होने वाला है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इट हेल्प्स पता चलता है मैक्सिमम लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज पॉसिबल ट्रेजरी डिपार्टमेंट में इट इज यूज परफॉर्मेंस मेजरमेंट पता चलता है एंड इट इज अ टूल फॉर अट मैनेजमेंट स्पेशली इन एंड दैट इज हाउ यू विल राइट द आंसर फॉर वार अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर अप्रोप्रिएट मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क तो कैसे मैं ये फाइनेंशियल uh, रिस्क को मैनेज करूंगा सबसे पहला काउंटर पार्टी रिस्क जो है सामने वाला पैसा लेके भाग गया तो तो उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है भाई सामने वाला आदमी सही है कि नहीं बैंक वही करती है ना आप बैंक के पास जा, जाओ और मांगो एक करोड़ रुपया दे एक वन टाइट स्लैप मिलेगा आपको क्यों क्योंकि उसको पता है वो जब ड्यू डिलीजेंस करेगा आपके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो सही आप उसको उसको रिपे कर पाओ तो ड्यू इज वेरी नेसेसरी डूबा तो आपका पैसा नो योर एक्सपोजर लिमिट आपका आपका औकात पता होना चाहिए कि भाई अगर पैसा डूबा तो भी आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए रिव्यू द लिमिट्स एंड प्रोसीजर फॉर क्रेडिट अप्रूवल रेगुलरली सो क्या लिमिट्स है क्या प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो हर एक कस्टमर जिसको आप पैसा दे रहे हो या जिसके पास से पैसा लेना बाकी है तो लिमिट्स एंड प्रोसीजर कुछ सेट uh, तो कर दो रैपिड एक्शन इन इवेंट ऑफ एनी डिफॉल्ट अगर कोई डिफॉल्ट किया तो प्रॉब्लम एंड यूज ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इंश्योरेंस और अदर इंस्ट्रूमेंट इस हिसाब से पूरा आप अपना काउंटर पार्टी रिस्क बता बचा सकते हो तो आप बोल दो मैं तेरे को पैसा दूंगा बट तू कोई गारंटी लेकर आ तो वो अगर कोई परफॉर्मेंस गारंटर लेकर आ रहा है या आपको इंश्योरेंस करवा के दे रहा है कि भाई मेरा पैसा डूबा तो इंश्योरेंस मिल जाएगा अपने को तो फिर बच सकते हैं क्या हिंट्स है क्या रेड फ्लैग्स है आजकल के बच्चे लोग का ये बात होता है ना रेड फ्लैग ये वो लड़का रेड फ्लैग है ये वो लड़का रेड फ्लैग है क्या क्या क्यों क्यों लड़का रेड फ्लैग है वैसे ही काउंटर पार्टी रेड फ्लैग क्यों है पहला फेलियर टू नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपने ये प्रॉपर रिसोर्सेस uh, नहीं देखा कि भाई ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं तो वो आपके लिए रेड फ्लैग है तो फेलियर टू ओपटे नेसेसरी रिसोर्सेज दूसरा रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस है फ्रॉम द गवर्नमेंट अगर मालूम पड़ा अपने को कि भाई इंडिया और चाइना के पंगे चल रहे फिर भी अपन ने चाइना वाले के साथ ट्रेडिंग किया तो फिर कैसे चलेगा दीदी हॉस्टाइल इलेक्शन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट कभी हो गया लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी कभी कोई थर्ड पार्टी से कुछ आइडिया आ गया सामने वाला हैज बिकम इनसॉल्वेंट तो ये सारी चीजें अपने लिए एक रेड फ्लैग है कि एक कौन से कंट्री का है उसका फॉरेन गवर्नमेंट कैसा है रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस है क्या कोई insolvent अगर कोई हुआ होगा तो उस कंपनी पहले insolvent हो चुकी है क्या प्रोवाइडिंग वो कैसे कहीं पे गड़बड़ है, तो है तो इसका तो रिस्क होने वाला है. कैसे अपने आप को बचाओगे ड्यू डिलीजेंस ओवरकमिट नहीं करना है एक ही एंटिटी को अपना एक्सपोजर लिमिट्स होना चाहिए अपना प्रोसीजर या चेकलिस्ट होना चाहिए यहाँ पे मेरे को किसी को भी लोन देने का है उसके पहले

अंदमान निकोबार और पॉलिटिकल रिस्क हो गया मॉलडीव के लिए क्या वो तो कहावत है जब जब और वही टाइम पे अयोध्या के टाइम पे हुआ था तो जब जब राम भगवान अयोध्या आए हैं तब तक एक आइलैंड महाद्वीप बर्बाद हुआ है वो टाइम पे लंका हुआ था जब अयोध्या में आए थे राम और यहाँ पे राम भगवान और यहाँ पे हमारे जब प्रधानमंत्री जी गए मॉलडीव सॉरी <laughs> गए एंड तो मॉलडीव का क्या हुआ अपन को पता ही है वॉट वॉज दैट अ पॉलिटिकल रिस्क फॉर फॉर मॉलिव और उन्होंने अपने को उकसाया उन्होंने जो मॉलडीव का गवर्नमेंट है उसमें लिखा वी डोंट इंडियंस इंडियंस आउट इसके लिए हमको ये करना पड़ा वी विल नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग विद एनी बट तुम अगर उंगली करोगे तो हम क्या करें फिर वैसे सो मॉलिव बैंड बाई इंडियन टूरिस्ट ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग कमेंट बाय मॉलिव गॉलडीव गवर्नमेंट ने रॉन्ग कमेंट दिया तो इंडियन टूरिस्ट ने को बैन कर दिया सो तो दैट वॉज अ पोलिटिकल रिस्क फॉर मॉलडीव रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ करेंसी तो अभी अगर अपने मॉलडीव जाने का है तो मॉलडीव का करेंसी नहीं चाहिए जाने का ही नहीं है एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ फॉरन एसेज बाय लोकल गवर्नमेंट मॉल गवर्नमेंट अब अपना फॉरन एसेट्स अगर उधर इंडिया का कोई है, उसको बंद कर देगा हो है, वो इंडियन्स के लिए प्राइस फिक्सेशन ऑफ दाइसिटेंट इन्वेस्टर्स क्या होता है अफ्रीका में अफ्रीका में या यूएसए में बहुत सारे इंडियंस है तो वहां के लोकल लोग बोलते हैं यार इतने सारे इंडियंस आ गए हम लोग को लोकल लेबर्स या हम लोग को यहाँ पे लोग तो दीज आर दॉलिटिकल रिस्क विच आर ऑलवेज ऑलवेज देर जैसे महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल पार्टी है अगर वो पावर में आती है देन इन दैट केस वो बोलते हैं कि हम खाली महाराष्ट्र को ही जॉब पे रहने देंगे तो वो एक पॉलिटिकल गिमिक हो गया ना कि भाई दूसरे कास्ट वाले आएंगे तो हम उनको काम नहीं करने देंगे खाली महाराष्ट्र को ही काम करने देंगे महाराष्ट्र में वैसा तो वो एक पॉलिटिकल रिस्क है वैसा सो इंसिस्टेंस ऑफ रेसिडेंट इन्वेस्टर्स और लेबर वैसे मैं कौन से स्टेट की बात कर रहा हूं अच्छा मैंने बोली दिया महाराष्ट्र अच्छा मैं कौन से

अंदर अंदर लोग एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर्स मतलब जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप तो टेम्पररी पार्टनरशिप करने का अगर बाहर वालों के साथ करना है तो एंड हो सके तो पार्टनरशिप करो इंडियंस के साथ ही जहां पे पॉलिटिकल रिस्क कम हो लोकल फाइनेंसिंग लेने का एंड प्रायर निगोसिएशन करके रखने का सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर अगर आपको पॉलिटिकल रिस्क से बचना है तो क्या लोकल सोर्सिंग रॉ मटेरियल का अंदर अंदर से लेने का ज्वाइंट वेंचर विद इन द कंट्री लोकल फाइनेंसिंग लोकल प्राइस निगोसिएशन इंटरेस्ट रेट मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर तो नहीं जा सकता है जिम्बावे जैसी कंट्री उनके इंटरेस्ट रेट को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जापान जैसी कंट्री उनके इंटरेस्ट रेट को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया इसके लिए उनका इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज अ वेरी वेरीटिक स्टेट

Are focused, क्योंकि उनको है उसका इंपैक्ट सीधा मार्केट पे आने वाला है फेड ने बोला कि हमारा इंटरेस्ट रेट हम कम करने वाले, वाले गोल्ड का प्राइस देखो बढ़ेगा इन्वेस्टर्स इज ऑल्सोड बाई इंटरेस्ट रेट सो यह सब इंटरेस्ट रेट रिस्क है मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इंपैक्टेड है उस पर एनी एक्शन बाई गिटाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंडेंट है इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना करने वाला है इंडिया में इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट है स्टॉक मार्केट में क्या चेंज होने वाला है इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट है ऑल ऑफ दैट एंड करेंसी रिस्क का क्या होता है इंपैक्ट सो इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है नेचुरल कैलेमिटीज या वॉर सिचुएशन में करेंसी रिस्क बढ़ सकता है चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ तो करेंसी रिस्क बढ़ सकता है तो ये बता रहे हो लोग कब करेंसी रिस्क बढ़ सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो भी आपका करेंसी बढ़ेगा याद है इंटरेस्ट रेट पैरिटी जितना आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे उतना आपका करेंसी डेप्रिसिएट होते जाएगा इसीलिए तो एक टाइम पे जब इंडिया का डॉलर आज वन डॉलर इक्वल टू एटी फाइव क्यों हो गया क्योंकि इंडिया अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गया यूएसए ने नहीं बढ़ाया तो इंडिया का करेंसी सामने डेप्रिसिएट होते गया ठीक है गवर्नमेंट के कोई एक्शन जिसकी वजह से करेंसी डेप्रिसिएट हो सकता है कुछ भी हो सकता है करेंसी को इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन नंबर है power है, याद दे, है देखो करेंसी डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट रेट, कैलामिटीज या वॉर हो गया तो अपना करेंसी अगेन कैन एप्रीसिएट बिग टाइम चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ तो भी अपना करेंसी एक रिस्क पे रहता है right, so, my... yes, आपको देखते, ही, देखते. हो गया ये चैप्टर जिसका नाम है मेरा रिस्क मैनेजमेंट तो इससे रिलेटेड जो भी अपना थियोरी था सॉरी yes. वो सारा का सारा आप लोग के साथ कंप्लीट कर चुका हूं क्या बोलता है पब्लिक समझ में आया कि नहीं राइट right? अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा वार का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है मैं सोच रहा हूं, साथ में ही कर लेते हैं ना यार क्या बोलते हो लगे आ तो आप लोगों का काम हो जाएगा पूरा ये वैल्यू एट रिस्क तो कितना वैल्यू एट रिस्क है और पोर्टफोलियो in जिसका फॉर्मुला दिया है कि अगर इंडिविजुअल शेयर लेवल पे है तो वराइंस ऑफ दैट सिक्योरिटी पोर्टफोलियो लेवल पे तो portfolio into root t into z score. अब ज़्यादा so अगर ये आता है पांच मार्क के लिए इजीली आप इसको सॉल्व करके फुल स्कोर कर सकते हो वार क्या होता है टोटल लॉस पॉसिबल मैक्सिमम इतना लॉस हो सकता है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है

मार्केट प्राइस स्टैंडर्ड डिशन टू परसेंट पर डे बाम लॉस ओवरियड एंड टेन डेज विदी नाइन परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल सो नाइंटी नाइन परसेंट जेड का जो लेवल है सो अज्यूम शेयर प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेडी नाइन परसेंट अब ये क्वेश्चन में वो लोग देंगे दैट उसका जेड स्कोर क्या है इट शाल बी टू पॉइंट थ्री थ्री सो देखो इधर इन्वेस्टमेंट टू क्रोर्स टू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द शेयर इज टू परसेंट इंटू टू परसेंट इन रूट ऑफ टी सो टाइम अभी देखो ये अपन लोग कितने डेज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं अज्यूमिंग टू डेज तो मैंने ये गलत कर दिया वो तो ठीक है इन जनरल वो लोग बोल रहे हैं टू फिफ्टी टू डेज है अपने को ये क्या करना है डिटरमाइन द लॉस फॉर वन ट्रेडिंग डे तो टी इज इक्वल टू वन है तो ये वन हो जाएगा तो रूट ऑफ वन राइट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय जेड स्कोर जेड स्कोर है टू पॉइंट थ्री थ्री टू पॉइंट थ्री थ्री सो टू करोड़ इन टू टू परसेंट, तू परसेंट इंटू टू पॉइंट थ्री थ्री यह आता है नाइन थर्टी टू थाउजेंड हो गया समझ गए इंटू टू परसेंट वही रहेगा इंटू रूट ऑफ टेन इंटू टू पॉइंट थ्री थ्री वही रहेगा सो टू इंटू टू परसेंट इंटू टू पॉइंट थ्री थ्री रूट टेन का रूट का रूट इंटू टू पॉइंट थ्री थ्री इंटू टू इंटू टू परसेंट एंड इट इज ट्वेंटी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी दिया होगा रूट ऑफ टी दिया होगा कितने देश के लिए आपको यह बार कैलकुलेट करना है जेड स्कोर नाइंटी नाइन परसेंट टू पॉइंट थ्री थ्री दिया होगा डन और एक क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं कंसिडर कंसिस्टिंग ऑफ रुपीज टू हंड्रेड लैक्स इन एक्स जेड एंड एबीसी डेली स्टैंडर्डियन शेयर बिटवीन दीरो पॉइंट थ्री आपको बताना है टेन डे का तो टी इज इक्वल टू टेन नाइनटी नाइन परसेंट रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो अब देखो इधर अपने को कैलकुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डिविएशन आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड डिविएशन तो दिया हुआ है वन परसेंट हा बट फॉर बोथ द अब याद है अपना फॉर्मूला याद करो कौन सा फॉर्मूला सर कौन सा वेट ऑफ ए हाँ सर याद है वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी प्लस को ए बी टू इंटू को ए बी इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इसका रूट रूठा सर याद है याद है याद है ये तो सर स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का तो यहां पे पोर्टफोलियो में दो शेयर है यस सर बोर्ड शेयर हैविंग वन परसेंट का स्टैंडर्ड डिविएशन यस सर ये रहा दोनों में दो करोड़ दो करोड़ का इन्वेस्टमेंट है मतलब फिफ्टी परसेंट

एफिशियंट ऑफ को रिलेशन आर ए बी इंटू स्टैंड स्टैंडर्डिएशन बी स्टैंड है और इसका रूट किया, चार के लिए का फुल चांस है याद रखना मेरी बात को तो ये मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया डन मेरा अमाउंट है टोटल 400 लाख या चार करोड़ डन सो so 400 लाख लैक्स रूट ऑफ एस इंटू सॉरी सिग्मा एस into, तो पॉइंट एट जीरो सिक्स टू थ्री परसेंट ओके इंटू अच्छा टाइम टाइम कितने दिन का है दस दिन का है हाँ तो रूट ऑफ टेन करना पड़ेगा तो थ्री ट्वेंटी टू फोर नाइनटी टू तो टेन का रूट इंटू थ्री ट्वेंटी टू फोर नाइनटी टू तो मेरा इंटू रूट तो, इंटू रूट टी भी आ गया अब जेड स्कोर इंटू टू पॉइंट थ्री थ्री नाइनटी नाइन परसेंट का इतना ही है ना ए मेरा आंसर आता है ट्वेंटी थ्री लैख इनका आता है ट्वेंटी थ्री लैख ऑन अकाउंट ऑफ राउंडिंग ऑफ डिफरेंस कहना इससे मेरा रिस्क मैनेजमेंट डन उसी के साथ मेरा वार का जो दो क्वेश्चंस है आपके आईसीए मॉड्यूल का बॉस वो भी डन आईसीए मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है देखो ये सब पॉलिटिकल रिस्क ये अपना हो ही गया कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज़

252 trading days, 2 crore done. Counterparty risk ka hints and techniques to manage it. Political party ka can be identified. Insistence on residents of labor, resident investors or labor restriction on foreign conversion, expropriation of foreign assets by the local government. All of their interest rate risk, monetary policy, economic growth, industrial data, stock market may changes. Currency risk, government action, nominal interest rate, inflation rate, change of government. हो गया चैप्टर उसके बाद ये देखो ये रहा दो करोड़ दो करोड़ ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आईसीआई का ये भी आप लोगों को करवा दिया है आप मानेंगे नहीं हाफ एन आवर एंड होल चैप्टर जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट तो कैसा लगा आपको अच्छा लगा वेरी गुड कीप वॉचिंग कीप सब्सक्राइबिंग कीप लाइकिंग शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स टाइम फॉर से आस्ता थैंक यू टेक केयर Mas aí,